जी मैं बहुत अरसे से गायब था और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सीरीज को रोमांचित करके आप लोगों के सामने पेश किया जाए। तो पहला सफ़र हमारा शुरू हुआ रात के 12 बजे कराची से इस्लामाबाद तक का। तो हमारा मिशन ये है कि हम कराची से इस्लामाबाद कैसे पहुंचते हैं। तो ये जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट जर्नी, और उस जर्नी में हम क्या क्या करते हैं आप लोग देखिए ज़रा। सो फार सो गुड, दिस इज सिकंदर खान और मैं आज आप लोग के सामने एक पूरी व्लॉग की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो रेडी रहना। इशाद भाई आप रेडी हैं? पहले गाड़ी के सीन चेक करो और गाड़ी के बाद अब आपको सीन चेक कराएंगे हमारे ट्रिप के। कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा कुछ नहीं पता, बस हम निकल रहे हैं। तो आओ मेरे साथ। भजन पहली दफा मोटरवे पे 600 रुपए का चलान हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन रात के 2 बजे चलान। इशाद भाई पहली दफा मोटरवे पे चलान कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? पहली दफा हुआ। हम अब चढ़ेंगे मोटर वे के ऊपर, और रास्ते में हमारे साथ एक छोटा सा हादसा भी हुआ कि हम हाई बीम चला रहे थे गाड़ी, तो हमारा चलान हुआ छोटा सा। और उसके अलावा रोड इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मज़ा आया। लेकिन कहते हैं ना एक्सपीरियंस इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, ठीक है। और वो रास्ते ही क्या जिसमें मज़ा ना आए, पर हमें बहुत मज़ा आया। और इशाद भाई बिहाइंड द कैमरा, मैं आपके सामने। अब हम मोटरवे जाएंगे और मोटरवे के आप लोगों को सीन चेक करवाते हैं। ओके बहुत थक गए हैं, सही है। और गाड़ी जो है वो हमारी रेडी है यहाँ पर, और हमने जो है वो एक सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, 1250 किलोमीटर मतलब 1250 किलोमीटर तय कर दिया है। कल रात से हम निकले हुए थे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। और भाई साफ सीधी बात है, असल जो शशके हैं वो गाड़ी के हैं, सुकून है। लेकिन अभी यहाँ पर आके एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम, हमारे पास खाना है और मैं खाना आपको दिखाऊँगा कि मेरे पास क्या है, लेकिन उसको बनाने के लिए, ये अगर आपको दिख रहा हो ये पूरा टप है, इसके अंदर क्या क्या है वो सरप्राइज़ है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पास कोयले नहीं है। तो कोयले अगर मिल गए हमें तो अच्छी बात है, वरना तो क्या करें। तो मिशन कोयला स्टार्ट नाउ। भाई सामान आ गया, ये है ग्रिल, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास झींगे और फिश है, और यहाँ पर हमारे पास है चिकन विंग्स। यार अभी भी इंसानियत बाकी है इस दुनिया में, और जिस तरीके से शायद इमरान भाई ने हमारे साथ फेवर किया और हमारे साथ तावन कर रहे,
ये बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली थैंक्स हांडी रेस्टोरेंट, क्योंकि हांडी रेस्टोरेंट के ही ये स्टाफ है और ये उन्हीं की जगह है, उन्होंने हमें परमिशन दी है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनकी तरफ से भी कुछ खाने को मंगाऊंगा और उसको भी रिव्यू करूंगा। हमें किचन की जो है परमिशन मिल गई और हम यहाँ पर आ गए बैक पे, और आपको तो पता है आपका भाई बालाकोट में जाके भी बनाया है खाना, एबटाबाद में भी बनाया है, नारायण में भी बनाया है, कागान में भी बनाया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कला का हार ये जो जगह है बड़ी ज़बरदस्त और हांडी रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी कुछ खुद बनाएं और खुद ट्राई करें। माँ का प्यार जो है वो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, और ये मेरे भाई जो है वो तिक्का लगे खड़े हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको सिखाते हैं, आप इधर आइए कराची के स्टाइल में। देखें ये हम पंजाब में आए हुए ना, तो हम ये फिश लेकर आए, आपको चखाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये फिश इस तरीके से रख रहे हैं, ये आप देखते जाइए, ये इस तरीके से फिश रखते जाएंगे। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर हैं सर, आपकी आपके रसूख से यहाँ पर हमें इजाज़त मिली है सर, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, सही है। और ये जो आप लोग हेल्प कर रहे हैं यार, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह ये हम डालेंगे। यार आप देख रहे हैं ये मेरी ग्रिल तैयार थी लेकिन इसमें से कुछ गिर गया, क्लोज नहीं हो रहा, ये इसको और क्लोज करेंगे, सही है भाई। ये मेरी ग्रिल तैयार हो गई है और अब हम इसको कोयले पे रखेंगे, ठीक है। और मेरे इमरान शाहिद भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है और उन्होंने मेरे लिए झींगे जो हैं ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने सीख पे लगा दिए, मेरा आधा काम इन्होंने कर दिया। लेकिन हमने उसके साथ चिकन भी लगाया जी जी, ओके सही है, चिकन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम दोनों को मिक्स करके अगर करेंगे ना तो उसमें फ्लेवर जो है ना वो जरा और रिच आ जाएगा। यार आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो हल्की सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। इमरान भाई ने तो इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा सा और एक टच। यार ये रेडी हो गया है, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त कहते हैं ना प्लेटर बन गया है, और मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि इसको इस तरीके से सीधा रखना, वरना ये अभी गिर जाता मुझसे। ये आपका अच्छा लग गया। यार ये झींगे चेक करो, मतलब मेरे दोस्त साद और यश देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो कहेंगे यार ये पंजाब के अंदर भी फ्रेश झींगे खा रहा है। यार एक चिकन टिक्का तो हमारा देसी कराची का बनता है ना। यार माँ के हाथ का जो जायका होता है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, बहुत ही मजे के। लेट मी एंजॉय, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके। और मेरे साथ सैफुल्ला भाई हैं, सैफुल्ला भाई थैंक यू सो मच, माशाल्लाह क्या हांडी रेस्टोरेंट है, और मैंने यहाँ की एक ही डिश ट्राई की, राइस बहुत मजे के थे, थैंक यू सो। और सबसे बढ़िया यहाँ की जो सबसे जबरदस्त बात है वो है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी सर, आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी यहाँ पर दिखाई, और स्पेशली मैनेजर सर आपका नाम राजा नवाज और सर आपका मोहम्मद अख्तर, ये वो मैनेजर्स हैं जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, और जाहिर सी बात है ओनर भी हमारे साथ खड़े हुए। हांडी रेस्टोरेंट कला का हार, यहाँ पर आना तो बनता ही बनता है।
यार इस्लामाबाद में भी मालिशी होते हैं। खैर रात का वक्त है, मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाएं और यहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करें, और मेरी नज़र पड़ी तुर्किश डोनर कबाब पर। तो यार मुझसे रहा नहीं गया, और इट्स रियली हैवी और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और मैं इसको अभी ट्राई करने वाला हूँ कैसा है ये। क्योंकि यार देखो, अगर आप जब किसी नई जगह पे जाते हो ना, तो डिफरेंट फूड ट्राई करने चाहिए। तो लेट्स सी। झूठ नहीं बोलूँगा, इट्स रियली यमी। ये जिना एवेन्यू पे, जिना एवेन्यू है या जिना सुपर मार्ट है, ये F7 का एरिया। इट्स रियली नाइस, इट्स रियली नाइस। मतलब मैं चेक करके चिकन ट्राई करके बता रहा हूँ, इट्स चिकन बट इट्स रियली नाइस, यमी है। लेट मी ईट, ओके। हाँ, ये थी हमारी इस्लामाबाद पहुँचने की जर्नी। यार इस्लामाबाद पहुँच के बहुत थक गए थे, और रात को बहुत ज़्यादा टायरिंग वक्त था, तो शूट नहीं किया। अब हम आपको नेक्स्ट डे दिखाते हैं, नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो, ओके?